नमस्कार, आज मेरे साथ है एम्बिशियस क्लासेस के डायरेक्टर डॉक्टर नवनीत मानधनी सर, जिन्होंने आज तक 40,000 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। इन्होंने आज तक 200 से ज़्यादा लाइव सेशंस लिए हैं और 50 से ज़्यादा शोज इनके रेडियो और टीवी पर आ चुके हैं। करियर इन कॉमर्स के बारे में ये गाइडलाइन करते हैं। आज का ये प्रोग्राम इन्होंने किस लिए अरेंज किया है, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज का ये प्रोग्राम किन किन के लिए है ये बताइए। मेनली अभी आप सभी को पता है कि हम सब लोग लॉकडाउन में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं और पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता है कि बच्चों के कॉलेज कब स्टार्ट होंगे, एजुकेशन कब होगा। और मेनली अभी जो लोग ट्वेल्थ में हैं, जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनको लेके पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो उनके लिए हमने एक ऐसा सोल्यूशन लाया है जिसमें स्टूडेंट तो खुश होंगे ही, पेरेंट भी खुश होंगे, जो आपको स्लोली आगे पता चलेगा। मेनली मैं आज बात करने वाला हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसके जरिए हम ट्वेल्थ और इलेवेंथ कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनको सब एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने जिक्र किया तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली कैसा होगा? एक्चुअल में स्टूडेंट जो है वो हमारे साथ दो माध्यम से जुड़ सकता है। हमारा क्लास का ऐप भी रहेगा, उस ऐप के थ्रू भी लेक्चर्स देख पाएगा, पर अच्छा रहेगा कि वो हमारे वेबसाइट पे जाए, जो घर के कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू जा सकता है या मोबाइल के थ्रू जा सकता है, और उस वेबसाइट पे हमारे सारे लेक्चर्स लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन दोनों भी रहेंगे, और हर टॉपिक को एकदम जो बोर्ड का पैटर्न है उस हिसाब से लिया जाएगा। जनरली जो साल भर क्लास स्टूडेंट अटेंड करता है उसमें जितने प्रॉब्लम्स लिए जाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो या मैथ्स की बात करूँ तो हम वो लेने वाले हैं। ओके, तो कोरोना की इस सिचुएशन में हमें पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो जो स्टूडेंट्स ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं इनको बताना चाहती हूँ सर, इन स्टूडेंट्स की कैसे मदद हो सकती है इस सिचुएशन में? एक्चुअल में ऐसा है कि सबसे पहली दिक्कत वाली बात यह है कि अभी सिलेबस बदल चुका है इस साल ट्वेल्थ, अगर मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात करूँ तो, और वो बदले हुए सिलेबस के खाली टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, उसके नोट्स कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा। तो हम सबसे पहले ये स्टूडेंट जब हमारे पास एनरोल करेगा तो हमारे नोट्स के PDF कॉपीज सारे उस स्टूडेंट को मिल जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि वो स्टूडेंट घर पे बैठ के जब लेक्चर अटेंड करेगा, वो लेक्चर अटेंड करते करते उसमें सब लिख लेगा। अगर कुरियर सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है तो उसके पास नोट्स पहुंच जाएंगे, ना भी हो तो वो उसके नोटबुक में लिख सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट को टाइम उसके हिसाब से देना है। बोलते हम जनरली जब क्लास को जाते हैं तो 4 से 5 ऐसे टाइम फिक्स होता है, यहाँ पे स्टूडेंट किसी भी समय दिन भर में वो लेक्चर देख सकता है। एक आध दिन अगर कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो वो लेक्चर भी स्टूडेंट पूरा अटेंड कर सकता है, और हर दिन लाइव लेक्चर्स भी रहेंगे, वो लाइव लेक्चर्स भी स्टूडेंट अटेंड कर सकता है, वो भी मिस हो जाए तो भी उसको मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉमर्स के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में ही देना है एग्ज़ाम, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो हमारा पढ़ाना इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों लैंग्वेज में रहेगा, और नोट्स जो है वो नो डाउट डेफिनेटली इंग्लिश में रहेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्फोसिस जो क्या होता है कि पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स को डर होता है कि ये ऑनलाइन क्लास है तो बच्चा डाउट कैसे पूछेगा। हाँ। तो उसके डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से होंगे। अच्छा। हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर रहेगा, ग्रुप रहेगा, कॉल कर सकता है स्टूडेंट। तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार ऐसे हो कि फिजिकल क्लास में बच्चा डर के क्वेश्चन ना पूछे, पर ऑनलाइन क्लास में वो ज्यादा खुल के हमको पूछ सकता है। बिल्कुल, और ऑनलाइन क्लास की और एक बात यह है कि अगर कोई भी सेशन आपका मिस हो जाए तो आप ये रिपीटेडली देख सकते हैं। 12th के सिलेबस के बारे में बताइए सर, जो बदला हुआ सिलेबस है पिछले 2 साल से, गवर्नमेंट ने सिलेबस चेंज करने स्टार्ट किए है। जब 11th का सिलेबस बदला तो सिलेबस में GST का इम्पैक्ट आ गया, GST की बहुत सारी चीज़ें डाली गई जर्नल में वगैरह, और सिलेबस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। जब मैं अभी 12th की नई बुक देख रहा था, बहुत बार क्या होता है टॉपिक के नाम सेम है, जो पुराने सिलेबस के थे वही 12th में एक टॉपिक छोड़ दिया तो, पर अगर आप अंदर डिटेल गहराई में जाते हो तो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत अच्छी कर दी है। पहले जो 12th के प्रॉब्लम्स आते थे वो बहुत ईजी थे, पर ये अगर आप टेक्स्ट बुक देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि इसका CA फाउंडेशन जो बच्चा देता है वो सिलेबस इसमें है। Okay. तो उस लेवल के न्यूमेरिकल्स इन्होंने अभी नए सिलेबस में डाले हैं। अच्छा, तो
तो घबराने की कोई चीज नहीं है, प्रैक्टिस से ये सब भी कवर हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। जरूर जरूर। अच्छा, इसके आगे ये पूछना है कि जिन्होंने 11th में क्लासेस नहीं की थी अटेंड, तो उनके लिए ये सब ऑनलाइन सेशन कैसे मदद कर सकता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे यहाँ 70% स्टूडेंट 11th को क्लास लगाता नहीं है। ऐसे भी कोई स्टूडेंट रहेंगे वो 10th पास होने के बाद अभी डायरेक्ट 12th का 17 नंबर का फॉर्म भर के एक्सटर्नल 12th कर रहे हैं। ऐसे भी कोई स्टूडेंट हो सकते हैं कि जिन्होंने 11th साइंस करके अभी सोचा है कि 12th कॉमर्स देना है, और ऐसे भी रहेंगे जो है कॉमर्स में पर कॉमर्स का कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट के लिए मेनली अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है कि उसका अगर आपका बेसिक मिस हो जाए तो आपको कभी भी नहीं समझेगा। तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स हमारे वेबसाइट पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस के 11th के सारे लेक्चर्स रखे हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर अभी बेसिक भी सीखना चाहे तो वो लेक्चर उसके लिए अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात है। अब जो ज़रूरत की बात है स्टूडेंट्स की भी है और पेरेंट्स की भी है कि फ़ीस कितनी होती है, फ़ी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम फिज़िकल क्लास लेते हैं जहाँ पे बच्चा मेरे यहाँ क्लास में आके पढ़ता है पूना में हमारे चारों पांचों ब्रांच में, वहाँ पे हम सारे सब्जेक्ट की फ़ीस लगभग 25,000 से 30,000 रुपये चार्ज करते थे। अच्छा। अभी तक अभी भी करते हैं, क्योंकि फिजिकल इसमें मुझे जगह का खर्चा है, सब चीज़ें बाकी सारा देखना है, और बच्चों के एंगल से मैं बात करूँ तो उसको घर से आने जाने का रोज खर्चा है, सारी चीज़ें हैं, तो उसको वो क्लास साल भर में 50,000-60,000 रुपये तक खर्चा दे जाता है। अब ये ऑनलाइन क्लास में मेरे लिए कॉस्ट सेविंग क्या है कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, और मैं एट ए टाइम मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ। और इसमें एक मेरा सोशल आस्पेक्ट भी है कि हर स्टूडेंट पूना तक नहीं आ सकता। मेनली इस साल तो अगर ऑलरेडी जिनका पूना में कॉलेज है वो शायद दिवाली तक पूना में आए ही ना, जो परिस्थितियाँ बता रही है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट को, और दूसरी है कि हम आर्थिक मंदी देख रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को भी ये फीस जो है वो रिजनेबल लगनी चाहिए। तो आप विश्वास नहीं करोगे, हमने सारे सब्जेक्ट की फीस 5 के 5 सब्जेक्ट, जब मैं अकाउंट्स मैथ्स दोनों मिलके फिजिकल में क्लास की फीस 18,000 और 20,000 पूना में चार्ज करते हैं, हम सारे अकाउंट्स इकोनॉमिक्स SP OCM और मैथ्स ये सारे सब्जेक्ट की फ़ीस हमने सिर्फ 15,000 रुपये रखी है। और 15,000 रुपये में उनको नोट्स भी मिलेंगे, उनके डाउट क्लियर भी होंगे, उनके टेस्ट भी होंगे, ये सारी चीज़ें सिर्फ 15,000 में रखी है। इसके पीछे का उद्देश्य यही है, परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है पोस्ट कोरोना या अभी, लेकिन हमको ना उनका उनकी पढ़ाई रोकनी है ना उनको इकोनॉमिकल लाइक पेरेंट को बर्डन देना है। आप अगर बात करते हो तो 15,000 रुपये साल के यानी महीना 1,200 रुपये में आपका बच्चा 12th के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ रहा है। बिल्कुल, तो पेरेंट्स के लिए ये एक साय ऑफ रिलीफ है कि इकोनॉमिक उनकी वैसे की वैसे रहेगी अगर फीस स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो। सर, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बताइए, इसके फीचर्स के बारे में बताइए। एक्चुअल में हम जो क्लासेस है इनमें हमारी जो वेबसाइट है कॉप्ट्यूट की, उस पर ये सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, हो जाते हैं, और वो स्टूडेंट को उसको टाइम दिया जाता है, उस समय वो देख सकता है, जितनी बार देखना है 100 बार देखना है, क्योंकि जनरली ऑनलाइन में बहुत से लोग 1-2 बार ही रिपीट करते हैं, अपने इसमें उसको जितनी बार देखना है वो देख सकता है। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स पूरे महाराष्ट्र बोर्ड पैटर्न में जो दिए हैं उसी मेथड से और वही सारे रखे गए हैं। हर टॉपिक का टेस्ट होगा, उसके बाद स्टूडेंट को जब डाउट आएगा, अभी लेक्चर अगर रिकॉर्डेड है तो उसमें तो डाउट पूछ नहीं पाएगा, लाइव लेक्चर में वो डाउट पूछ सकता है, पर दोनों में भी अगर वो नहीं पूछ पाया उसने जब भी पढ़ाई की, तो हमारे जो फैकल्टीज़ है सारे फैकल्टीज़ मोर देन 20,000 आवर्स से ज़्यादा सभी को एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो हम सभी को स्टूडेंट अप्रोच कर सकते हैं, उनके डाउट पूछ सकते हैं। और जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो मेरी ये जवाबदारी होती है कि मैं क्लास का सबसे मीन्स कम दिमाग वाला स्टूडेंट जो है उसको समझे, उस लेवल पे जाके पढ़ाऊँ। तो अगर मेरा वीडियो का क्वालिटी उस लेवल का है कि मैं इतने बेसिक पे जाके पढ़ाऊँ, तो मुझे गारंटी है कि इवन स्टूडेंट को डाउट ना आके वो अलग अलग नई नई चीज़ें भी पूछेगा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हमने। अच्छा, और स्टूडेंट्स के लिए ये एक फ़ायदेमंद बात है कि 1-to-1 इंटरेक्शन हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन सेशन है तो हर एक को ऐसा ही लगेगा कि सर मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, ये एक फ़ायदा है इसका। सर, इसके आगे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, कैसे भी करके उनके पेरेंट्स साल की फ़ीस जुड़ पाते हैं, लेकिन अभी इस सिचुएशन में और भी बदतर हो गई है थोड़ी सी सिचुएशन हम कह सकते हैं, तो उनको कैसे मदद मिल सकती है? देखिए, अभी ये जो सिचुएशन पूरे देश में पूरे विश्व में आई है वो किसी से भी छुपके नहीं है, खाली ऐसे है कि कोई हजारों में परेशान है, कोई लाखों में परेशान है, हर इंसान परेशान है।
पर हम सभी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर एक को एक में को मदद करके अपलिफ्ट करें। तो मैंने क्या किया है कि जो स्टूडेंट 15,000 भर के ये सारे सब्जेक्ट का क्लास लगा सकता है दैट इज़ वेल एंड गुड। किसी को अगर सिर्फ अकाउंट्स लगाना है तो वो भी लगा पाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट थेरी सब्जेक्ट नहीं लगाते, दैट इज़ वन। पर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि सर नहीं, मेरे पास एक रुपया भी नहीं है, खाली मोबाइल है, मुझे आपके लेक्चर्स देखने हैं, तो हमने क्या किया है कि एटलीस्ट वो पास हो जाए इतने टॉपिक के, जो बेसिक बेसिक इजी टॉपिक है, उसके लेक्चर्स फ्री में यूट्यूब पे मेरे चैनल पे रखे हैं मैंने, एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस कॉपट्यूट के भी चैनल पे रहेंगे। तो मिनिमम लेक्चर्स जो है, जो मीन्स 100 में से 40-45 मार्क मिल जाए, इतने लेक्चर्स हमने उस पर रखे हुए हैं, उसका फ़ायदा हर स्टूडेंट ले सकता है एटलीस्ट। और साल के एंड में कभी रिविजन अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी कर देंगे। तो अगर आपको स्कोर नहीं करना है, आपको खुद का खुद पढ़ाई करना है, आपके पास पैसे भी नहीं है, तो भी एक मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर बोल के मैंने वो लेक्चर भी उसमें रखे हुए हैं। ओके, जैसे कि आपने अभी बताया यूट्यूब चैनल, हम उसी पे अभी ये कर रहे हैं सब, तो ये तो एक जरिया है आप तक पहुंचने का, लेकिन अगर आपसे संपर्क करना हो स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, तो वह कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे आपको स्क्रीन पे हमारे नंबर दिख रहे हैं, उस नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना है, और उस पर कॉन्टैक्ट करने के बाद वो आपको अकाउंट डिटेल्स सारी चीज़ें दे देंगे, स्टूडेंट की भी डिटेल्स लगेगी, हमको दोनों के नंबर और मेल आईडी लगेंगे, और उसके बाद हम एक कोड जनरेट करके उनको दे देंगे, उस कोड से वो हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे, और उस पर वो डेली लेक्चर्स, उनके अटेंडेंस, सारे रिपोर्ट जनरेट होंगे, जो हम पेरेंट को भी भेज सकते हैं और स्टूडेंट को भी भेज सकते हैं। ओके सर, यूजुअली ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस में स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं हो पाते, बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके पीछे, तो ऐसे वक्त में हम इसका कैसे हल निकालेंगे कि एवरी स्टूडेंट हमारा लेसन, हमारा सेशन बिल्कुल ध्यान से देखे और उसको फॉलो करें? एक्चुअल में तो आप स्टूडेंट की बात कर रहे हो, इवन टीचर भी अगर मैं बिना स्टूडेंट सामने हो पढ़ाता हूँ तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है। बिल्कुल। लेकिन अब जैसे हम स्लोली एंड ग्रेजुअली हैबिचुअल हो चुके हैं, वैसे स्टूडेंट भी होगा। अभी की अगर मैं यंग जनरेशन बात करूँ तो बोलते आज जो बच्चे, आज तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट से लेकर टेंथ तक सभी के लेक्चर जूम पे चल रहे हैं, पर ये जो जनरेशन अभी 11th 12th में, ये उतनी हैबिचुअल नहीं है ऑनलाइन कोचिंग से। तो उनके लिए हमने क्या किया है कि हमारे कुछ वीडियोस एनिमेटेड है, कुछ स्टोरी टाइप है, कोई भी लेक्चर आपको ऐसे स्टीरियोटाइप बोर नहीं होगा कि ये क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं, हर चीज़ में क्रिएटिविटी डाल के बोलते। अभी जैसे जो बड़े बड़े कंपनीज जो अभी मार्केट में आए ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए, उस लेवल के वीडियोस हम बना रहे हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि स्टूडेंट मित्र, म्हणजे मराठीत सांगायचं झालं तर मी वर्गात बऱ्याचवेळेस मुलांना सांगतो, तुम्ही मनात विचार करून या, मला नापास व्हायचं आहे, तरी माझं लेक्चर अटेंड केल्यानंतर तुम्ही पास व्हाल। तो मैं सेम चीज आपको बोल रहा हूँ कि आप डिसाइड कर लो मुझे फेल होना है, फिर भी मेरा लेक्चर देखने के बाद आप पास हो जाओ। बिल्कुल, और जैसे कि हम कॉलेज में लेक्चर्स बंक वगैरह करते हैं, अगर आपसे ये गलती से भी लेक्चर बंक हो गया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सेशन है तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं। सर, इस क्लास की फीस कितनी होगी? हमने जैसे पिछले बताया कि पूरे साल भर की फीस, 12th की, 11th हो या 12th, सारे सब्जेक्ट की फीस मिला के, फिर मैथ्स रहने दो, एसपी रहने दो, कोई भी सब्जेक्ट, इसका हमने 15,000 रुपीज़ रखा है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस सभी, ये 15,000 रुपये फीस है इसकी। और इसमें अगर सब्जेक्ट वाइज लगाना है तो सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है, पर वो स्टूडेंट के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है। एंड उसके अलावा इसमें नोट्स हम पीडीएफ उनको कॉपी में दे देंगे, अगर सुविधा हुई तो उनको हम अगर कुरियर कर पाए तो कुरियर भी कर देंगे नोट्स। 15,000 रुपये में पूरा साल भर का आपको अकाउंट्स, सारे सब्जेक्ट कॉमर्स के, लैंग्वेज छोड़ के सारे सिखाए जाएंगे। बिल्कुल सर, लेक्चर्स के अलावा और क्या क्या सपोर्ट हम स्टूडेंट्स को दे सकते हैं इस ऑनलाइन सेशन के? एक्चुअल में ऐसे जैसे ही नवंबर दिसंबर मंथ आ जाएगा, पेरेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इसका नेक्स्ट करियर के बारे में क्या। जैसे मैंने अभी तक के करियर से रिलेटेड 40,000 बच्चों को अभी तक मैंने गाइड किया है, टीवी शोज के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, लाइव सेशन। तो मेरा हर स्टूडेंट, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो मेरे लिए फ्यूचर का एसेट है। तो उसको मैं उसका कैलिबर देखते हुए, जो भी उसको नेक्स्ट करियर स्टेप लेना है उसके बारे में हम गाइड करेंगे। एग्जाम से रिलेटेड उनकी टेस्ट सीरीज, उनके बोर्ड पेपर सारे लिए जाएंगे, हर टॉपिक का टेस्ट होगा। सबसे अच्छी बात पेरेंट के लिए, उनका बच्चा घर से बाहर नहीं निकल के उनके सामने पढ़ाई करेगा, तो आप मॉनिटर कर पाओ, क्योंकि बच्चा घर से निकल के क्लास में जा रहा है या नहीं यहाँ तक आपको पता नहीं है, क्लास में जाके पढ़ रहा है नहीं ये भी आपको पता नहीं। एटलीस्ट आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपके सामने आपका बच्चा जो जो कर रहा है, अगर हमको किस बच्चे में चीज़ें नहीं दिखी तो हम पेरेंट्स को भी रिपोर्ट कर सकते हैं,
तो लाइक वी आर लाइबल फॉर दैट, तो ये दोनों के लिए एकदम विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस आप और कौन कौन से कोर्सेज ऑनलाइन दे रहे हैं? एक्चुअल में अभी तो हमने शुरुआत 11th और 12th की है। उसके अलावा आगे हम CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन, ये तीनों कोर्सेज दे रहे हैं। और जैसे जैसे शायद इस साल सिचुएशन है तो हो सकता है कि हम BCom के भी क्लासेस ऑनलाइन के माध्यम से दें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जो सभी के लिए एक्सेसिबल हो, सभी के जेब को वो ज़्यादा वजन ना डाले और हर स्टूडेंट जो कॉमर्स में आया है एक सुवर्ण भविष्य लेकर वापस निकले, इस अपेक्षा के साथ, इस क्रिएटिविटी के साथ हम ये प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर नवनीत मानधनी सर ने कहा है, हम इस सब का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन सेशंस है एम्बिशियस क्लासेस के, स्मार्टफोन्स तो हमारे पास होते ही है, इनका स्मार्टली उपयोग करके ये ऑनलाइन सेशन हम अटेंड कर सकते हैं और हमारी पढ़ाई पूरी तरह से वैसे ही रख सकते हैं जैसे कोरोना के पहले थी। तो इस सब का लाभ उठाइए। आपको भी अगर एम्बिशियस क्लासेस के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह नीचे दिए हुए नंबर्स पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर नवनीत मानधनी सर, आपने ये सब बताया, ये मार्गदर्शन किया स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।